लास्ट क्लास में मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, इस सब का सर मॉडल आवाजें बनाया। आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रहा कुछ। बाकी लोगों को आवाज आ रही है? ठीक हाँ सर। है। हाँ सर। तुम्हारे सिस्टम में प्रॉब्लम होगा कुछ। देखो, हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन देखे थे, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका। उसके बाद रेक्टेंगल का भी देखे थे, स्क्वायर का देखे थे। जस्ट उसमें एक दो बात और बता देता हूँ, कॉमन सेंस है वैसे। सपोज हॉलो सिलेंडर, तो ज्योमेट्रिकली देखोगे तो हॉलो सिलेंडर और रिंग में कोई फर्क थोड़े ना है। रिंग के थिकनेस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दो तो वो हॉलो सिलेंडर हो जाता है। ना समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट MR स्क्वायर ही होगा जो रिंग का होता है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कोई दिक्कत? ठीक वैसे अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क ये दोनों ज्योमेट्रिकली एक ही स्ट्रक्चर है। डिस्क के थिकनेस को अगर बढ़ाते जाओगे तो वही तो सॉलिड सिलेंडर बनेगा ना? यस सर। तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट वही होगा जो डिस्क का है। तो सॉलिड सिलेंडर में मास थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो सॉलिड सिलेंडर ये ज्योमेट्रिकली डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट MR स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, ये दोनों कॉपी कर दो। हो गया? एक हो मिनट गया सर। सर।
हो गया। एक मिनट सर, हो गया। कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन करो, इसको सॉल्व कर ले, किसी पर राउंड से रिलेटेड है।
आया कुछ आंसर? नहीं सर, 2 मिनट सर। 8 ml² / 3। नहीं सर। ml² नहीं। देखो इधर, एक्सिस यहाँ ए से पास कर रहा है और ए पर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो रॉड ए बी का प्लस रॉड बी सी का। सर ml² / 6। तो रॉड ए बी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ml² / 3 हो जाएगा, है ना। रॉड बी सी का देखो, तो बी सी रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml² / 12 होगा, और ये डिस्टेंस अगर ऐड कर दें तो ये कुछ ऐसा होगा, ml² / 12 प्लस mr². अब ये l और ये l/2, यहाँ से r की वैल्यू क्या होगी, √ l² प्लस l² / 4। सो l/2√5 ये r की वैल्यू होगी। इस r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया ml² / 3 प्लस ml² / 12 प्लस 5 ml² / 4। तो ml² कॉमन ले लीजिए, 12 LCM ले लीजिए, 3 4 12, 4 1 12, 4 3 12। तो 16 + 4 20, 20/12 ml². तो 5/3 ml², ऐसा कुछ आंसर होगा। बोलो। यस सर। क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था ना। आगे बढ़े सर, मेरे को सेम आंसर थोड़ा अलग तरीके से भी मिल रहा था। कैसे? तो पहले आई ए बी निकाला, उसके बाद फिर आई बी सी निकाला अबाउट बी, और फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ए की तरफ ला दिया। गलत है, अबाउट बी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब आपका आई नॉट वाला एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करे। याद है सेंटर ऑफ मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंडीशन? हाँ सर, हाँ सर, याद है। आगे बढ़ू? एक मिनट सर। आगे बढ़ू? हाँ सर, हाँ सर। नहीं,
इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। आया कुछ आंसर? सर एम आर स्क्वायर बाई एट। एम कहाँ है क्वेश्चन में बेटा? एम दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में? अच्छा अरे सॉरी। सर 13/2 फिर डेंसिटी पाई आर स्क्वायर रेस्ट ऑफ आर का पावर 4। देखता हूं। अगर ये डिस्क कंप्लीट होता, अगर इसके कैविटी को मैं फिल कर देता हूं, मान लो स्मॉल एम मास से, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ होगा वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर डिस्क, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। रेडियस 2r है डिस्क का, mr²/2 होता है, तो पूरे डिस्क का मास अगर कैपिटल एम है तो कैपिटल एम इंटू 2r² / 2 माइनस छोटे डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट mr²/2 होगा, और पॉइंट ओ के अबाउट उसमें फिर mr² ऐड कर देंगे, तो mr² / 2 प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो ये हो गया 2 टाइम्स कैपिटल mr² माइनस 3/2 टाइम्स स्मॉल mr². कैपिटल एम मतलब पूरे डिस्क का मास, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r² दैट इज 4 पाई सिग्मा r² ये कैपिटल एम हो जाएगा, और स्मॉल एम हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ तो सर। ये कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ और स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 8 पाई सिग्मा r² माइनस 3/2 सिग्मा पाई r² तो 8 माइनस 3/2 कितना होगा? 13/2 सर वही आया। वेरी गुड, तो 13/2 पाई सिग्मा r² ये जिसको जिसको आंसर आया वो करेक्ट है। आया समझ में? आगे बढ़ू? बोलिए आगे बढ़ू? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिया सबने? सर बस लास्ट वाले क्वेश्चन में ना एक एक चीज बोलनी थी मेरे को लास्ट वाले। बोलो। तो उसमें एक तरीका जो मैं बोल रहा था ना लास्ट में वो थोड़ा सा मतलब हम लोग बीसी रॉड का मतलब बीसी प्लेन के अलोंग बी के अलोंग बी के अबाउट निकालेंगे मतलब बी से परपेंडिकुलर नहीं बी से प्लेन से पैरेलल अगर बी के अबाउट निकालेंगे हम लोग और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो नहीं समझा मैं। सर हम लोग बीसी क्या रॉड करेंगे का बी के अबाउट निकालोगे तो mL²/3 और फिर प्लस ML² वापस कर देंगे क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग एक ही तरफ लेके आ नहीं रहे हैं। बेटा, बीसी रॉड में कोई भी किसी एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो जब तक
इस एक्सिस मिड पॉइंट एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ नहीं है, इस पॉइंट को ओ कह लो मान लो, तब तक किसी में कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन सर बीसी एक्सिस तो पास कर रहे हैं ना, तो बीसी वाला लाइन तो ऐसा है ना, ये लाइन है, ये वाला लाइन कह रहे हो? हाँ सर मैं इसी लाइन के बात कर रहा था, इसी के जो सेंटर ऑफ जो जो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो तो पॉइंट एक पर है और इसके परपेंडिकुलर है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। हाँ सर, तो मतलब मेरा प्लान ये था कि मतलब ए बी के अबाउट निकाला फिर बी सी का फिर शिफ्ट कर दे एक ही तरफ, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के फिर वैसे करें। अच्छा बी सी का बी सी के अबाउट जीरो है ना, ए बी का ए बी लाइन के अबाउट थी वो भी जीरो, अब क्या कह रहे हो? सर मतलब मेरा थोड़ा लंबा तरीका था तो सब जाने दो सर। आगे बढ़ो। हाँ सर, चलो नेक्स्ट, एक और सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करो। सर एक बार पिछला आंसर दिखाओ ना।
बोलो आया आंसर किसी को? सर 11 mr² / 24। और फिर ये कुछ आया 7 mr² / 16। लेटर सॉल्व करके और किसी को कुछ? चलो देखो सिमिलर क्वेश्चन है सर 11 by 24 mr² ही आ रहा है। देखते हैं इसमें जो स्मॉल m है ये स्मॉल m होगा सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 9 होगा। हाँ सर। और जो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होगा वो होगा सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर। हाँ सर। तो जो कैपिटल एम है वो क्या हो जाएगा 1 - 1/9 8/9। यस सर। सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा तो इसको रहने देते हैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पहले तो पूरे डिस्क का दैट इज एम प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस छोटे डिस्क का, तो छोटे डिस्क का लिखेंगे तो स्मॉल एम सर। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, अगर वो एम है तो इसको एम बाई फोर ले सकते हैं। तो छोटे डिस्क का अपने एक्सिस के अबाउट फिर इसके अबाउट, तो ये डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस आर बाई थ्री इज टू आर बाई थ्री होगा। तो ऐसा होगा स्मॉल एम इंटू आर बाई थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस स्मॉल एम इंटू टू आर बाई थ्री का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इसको सिग्मा पाई आर स्क्वायर लिख दो तो सिग्मा पाई आर फोर बाई टू माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन टू जाए 18, तो 1/18 और ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर फोर अपॉन 9 स्मॉल एम का वैल्यू पुट कर दिया माइनस
टू टू जा फोर, फोर और थ्री स्क्वायर नाइन, तो फोर बाई नाइन तो ऐसे हो गया, स्मॉल m की जगह फिर मैंने लिख दिया सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई नाइन, ठीक है, और ये आर स्क्वायर है तो ये आर फोर हो गया। फाइनली इस सब में से हम सिग्मा पाई आर फोर कॉमन ले सकते हैं, तो हो गया वन बाई टू माइनस वन बाई एटीन इंटू नाइन माइनस फोर बाई नाइन इंटू नाइन दैट इज 81। तो सिग्मा पाई आर फोर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 81 इंटू टू ऐसा हो जाएगा, तो ये 81 ये माइनस वन ये माइनस एट, तो ये हो गया 72 अपॉन 81 इंटू टू इंटू सिग्मा पाई आर फोर। नाइन से नाइन नाइन जा 81, नाइन एट जा और टू से फिर फोर, तो ये हो गया फोर बाई नाइन सिग्मा पाई आर फोर। अब इस सिग्मा पाई आर फोर को कैपिटल एम के टर्म में मुझे लिखना है, तो सिग्मा पाई आर फोर इज नाइन एम बाई एट, पाई आर स्क्वायर इज नाइन एम बाई एट, यहाँ से दिख रहा है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज नाइन एम बाई एट, तो ये वैल्यू नीचे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया फोर बाई नाइन इंटू नाइन एम बाई एट इंटू आर स्क्वायर, नाइन नाइन गया फोर टू जा एट, एम आर स्क्वायर बाई टू आंसर। समका कोच समझ आया कोच? सर वो बस कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था वरना फिर मिल गया था। तो देख के कॉपी को लेके कैसे समझ गए सर? सर इसमें सीधा नहीं कर सकते थे क्या, वो दूसरे m को m by 4 लेके और r को r by 3 लेके सीधा वैल्यू पुट करके m by 4 कैसे आएगा सर? ऐसे मतलब वो टोटल मास m है तो m by 4 होगा ना, वो डिस्क जो छोटा है वहाँ पे, बट रेडियस 1/3 है तो मास कितना होगा 1/9 होगा ना, 1/4 कैसे होगा सर? कैपिटल m तो 8m हो जाएगा, 8 टाइम्स स्मॉल m हो जाएगा। गलत सोच रहा है, स्मॉल m के बदले सर m बाई 8 डाल देंगे तो सर उससे भी कर सकते हो। m बाई 8 क्यों, 8 टर्म कहाँ से आ रहा है तुम्हें? सर वो रिलेट कर रहे हैं ना कैपिटल m और स्मॉल m को, तो कैपिटल m किसको लिया, पूरे डिस्क का मास लिया विदाउट कैविटी या जो जितना अभी दिख रहा है उसका मास कैपिटल m लिया, ये बताओ। सर आपने जो लिखा है वो कैपिटल m स्मॉल m उसी से रिलेशन निकालेंगे तो सर? इसी से अगर लेगा तो कैपिटल m प्लस स्मॉल m जितना होगा उसका 1/9 स्मॉल m होगा, so small m is 1/9 times capital M plus small m। अरे pi r square के proportional होगा ना, तो r by 3 radius है तो total का 1/9 होगा ना small m। समझा कुछ कि नहीं? हाँ सर, तो वहीं से रिलेशन आएगा ना सर कि
एम और स्मॉल एम का एट का कुछ फैक्टर आएगा वहां आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन नाइन इज ए स्मॉल एम, सो एट टाइम्स स्मॉल एम इज कैपिटल एम, सो स्मॉल एम इज कैपिटल एम अपॉन एट, ठीक है? स्मॉल एम इज कैपिटल एम अपॉन एट, हाँ सर. तो ये सिग्मा नहीं पुट करोगे, स्मॉल एम को कैपिटल एम अपॉन एट लिख दोगे, उससे भी यही आंसर आएगा, दूसरा क्यों आएगा? सर मतलब वो ही करके कर सकते हैं ना, इतना लंबा मेथड करने से अच्छा. अरे उसमें कर क्या रहे हो तुम, यहाँ पर जहाँ पर मैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लिखा है और सब में सिग्मा लिख रहा हूँ, उसमें स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम बाई एट लिख रहे हो, यही कर रहे हो ना? हाँ सर. आगे बढ़े, लिख लिया सबने? सर दो मिनट. वो क्या? यस सर. यस सर. आगे सीखते हैं टॉर्क, नई चीज सीखते हैं. नाम सुना है टॉर्क का?
बोलो। बस सुनना है सर। हाँ सर। टेंथ में था सर। एक टाइप का फोर्स है ना जो रोटेट करने में मदद करता है। वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज अ मेजर ऑफ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी बोलते हैं। मैथमेटिकली टॉर्क टाउ इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। मतलब क्या हुआ देखो, सपोज कोई भी एक रिजिड बॉडी है जैसा भी, इसको यहां से हिल कर दिया और इस पर कोई एक फोर्स मान लो यहां लग रहा है, फोर्स है। तो फोर्स जहां लग रहा है वहां उस पॉइंट को हिंज से हम लोग मिला देते हैं। तो इस पॉइंट का हिंज पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो पोजीशन है इसको पोजीशन वेक्टर आर कहते हैं और इसको फोर्स वेक्टर एफ कहते हैं। तो ये आर क्रॉस एफ जो कुछ भी होगा वो आपका टॉर्क होगा। समझने के लिए अगर देखोगे तो ये हो गया आर वेक्टर का लाइन, ये एंगल हो गया थीटा। तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा जो इस हिंज को तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये जो फोर्स का कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये एफ साइन थीटा इंटू आर यही है टॉर्क, है ना। तो ये जो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किसमें सॉल्व करने में कितनी आसानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। इसका मतलब हुआ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर, यही मतलब हुआ ना। कंपोनेंट ऑफ एफ परपेंडिकुलर टू आर, तो आर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एफ परपेंडिकुलर टू आर, यही मतलब हुआ इसका। इसका दूसरा मतलब ऐसा भी हुआ, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा इनटू एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ।
तो इसमें लिखेंगे, इसका मतलब हुआ कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ, है ना? आया कुछ समझ में? पहले यहां से कॉपी कर लो सर। वो वेरिएबल का नाम क्या है? टॉर्क का टाउ पढ़ते हैं उसको।
लिख लिया सबने? सर यहाँ पे ओ सेंटर ऑफ मास है ना? नहीं, कोई भी पॉइंट जिसके जहां पर हिंज है। ओके सर, कोई भी पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। आगे बढ़े? यस सर। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ प्रैक्टिस करो, अगर पहली बार कर रहे हो टेंथ में किए हो तो ठीक है, अदरवाइज पहली बार कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसको प्रोसेस करो। सर आ गया अंश।
क्या है आंसर बताइए. एम जी एक्स नॉट माइनस एम जी एक्स नॉट के कैप. सही है, देखते हैं एक बार. x is equal to x naught on x axis, ठीक है. कैसे कहानी है, ये हो गया मेरा x is equal to x naught. It falls vertically along y axis, मतलब ये ऐसे जा रहा है ना. फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी अबाउट ओरिजिन. तो टी टाइम के बाद कहीं यहां पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, जी टी स्क्वायर होगा, होगा. तो इस पर फोर्स एम जी इधर एक्ट कर रहा होगा, ये हो गया फोर्स वेक्टर और ये हो गया पोजीशन वेक्टर. सर डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना. हाँ, क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना. हाँ हाफ जी टी स्क्वायर. अच्छा मैंने तू नहीं देखा क्या. तो ये हो गया एफ फोर्स वेक्टर नीचे, आर वेक्टर इधर, ऐसा हो गया. हो गया ऐसा. तो देखो आर क्रॉस एफ के फॉर्मूले से जाओगे तो अब ये आर निकालो, फिर एफ निकालो, फिर थीटा निकालो. अदरवाइज फोर्स को रहने दो, आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एफ, आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एफ, ये तो एक्स नॉट ही होगा ना. बोलो. यस सर. तो हम लोग एफ इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ करेंगे तो मुझे टॉर्क क्या मिलेगा, एम जी इंटू एक्स नॉट, और इस टॉर्क का डायरेक्ट ऐसा होगा. यस सर. तो ये डायरेक्शन कौन सा है, माइनस के कैप. हाँ सर, इसीलिए माइनस आएगा के कैप. के कैप विथ माइनस साइन, ऐसा बोल सकते हैं. आया समझ में. आगे बढ़ू. बोलो आगे बढ़ू. आवाज आ रही है. हाँ सर. यस सर. लिख लिया, आगे बढ़ू. हाँ सर. एक और क्वेश्चन करो. जब बहुत सारे फोर्सेस होंगे तो सबका टॉर्क इंडिविजुअली निकाल के सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देंगे. ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ने दिया डायग्राम में, इसको भी 4 सेंटीमीटर कर लो. इसको कोशिश करो.
आया कोच? सर एक मिनट। इस 10 न्यूटन का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इस 15 न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज, इस 5 न्यूटन का टॉर्क जीरो होगा, और इस 20 न्यूटन का फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ये 15 न्यूटन है तो 15 कॉस 37 इधर, 15 साइन 37 इधर, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 15 साइन 37 डिग्री इंटू 6, दिस मच न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। सर हम लोग 6 सेंटीमीटर का ले लेते तो कंपोनेंट, वो भी ले सकते हैं। ओके तो सर वही होगा ना, मतलब दोनों तरीके वही होगा। इस केस में जीरो क्यों होगा? क्योंकि आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है। हाँ सर। अच्छा, इसमें ये 20 है तो ये 150 है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। तो 20 का इधर वाला कंपोनेंट 20 cos 60 डिग्री होगा। यस सर। तो इसका टॉर्क हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री इंटू 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ होगा। और इसका 10 इंटू 4 तो 40 न्यूटन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऐड कर दो तो टोटल टॉर्क हो गया, ये हो गया 40 न्यूटन सेंटीमीटर क्लॉकवाइज, इसका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 15 साइन 37 इज 3/5 इंटू 6 न्यूटन सेंटीमीटर, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका तो जीरो हो गया, और इसका हो गया फिर मेरा 20 cos 60 40 इंटू 4, ये हो गया फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 40 क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, और 5 3 तो 40 माइनस 54 माइनस, ये भी 40 हो जाएगा माइनस 54, ये हो गया माइनस 54 न्यूटन माइनस 54 न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब हम लोगों के हिसाब से 54 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आंसर होगा। आया समझ में? आया समझ में? या कोई डाउट है किसी को? सर फाइनल आंसर बोलो। 54 न्यूटन सेंटीमीटर। सर तो वो नेगेटिव साइन फिर वहां पे नहीं लिखते?
हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखा है, तो हम बोलेंगे 54 न्यूटन सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लिख सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थोड़ा सा ऊपर करो ना। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ो। एक मिनट सर, चलो एक और क्वेश्चन करो।
सर फर्स्ट का हाफ एम यू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। हाँ साइन स्क्वायर नहीं, साइन टू थीटा होगा सर ना सर फर्स्ट वाले का। हाँ हाँ फर्स्ट वाले का देखो इधर मुझे टॉस निकालना है जब हाईएस्ट पॉइंट पर है उस समय पूछा है ए में तो फोर्स mg इधर लग रहा है, लग रहा है ना, और पोजीशन वेक्टर r इधर है तो r का कंपोनेंट जो mg पर परपेंडिकुलर है वो तो रेंज का आधा होगा r by 2 होगा। हाँ सर। तो एक का आंसर हम बता सकते हैं, एक का टॉर्क होगा mg into हाफ ऑफ रेंज, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin theta cos theta by g, u square sin 2 theta by g है ना। तो इसका आंसर होगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन टू थीटा। आया समझ में? यस सर। बी पार्ट में जब ग्राउंड को हिट करेगा, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा उस समय mg इधर और ये डिस्टेंस रेंज के बराबर होगा तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा mg into r। हाँ सर। रेंज की वैल्यू पुट कर दोगे? हाँ सर। ये हो जाएगा m u square sin 2 theta। बी पार्ट का दोनों का आंसर समझ आया? यस सर। कॉपी कर लो। सर। हाँ बोलो सर। वो हाफ आर वो मतलब मैक्सिमम हाइट था इसीलिए हाफ आर आर बाय टू लिया ना। मैक्सिमम हाइट था नहीं मतलब पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट पूछा था इसीलिए आपने वो आर बाय टू लिया ना उसको मल्टीप्लाई करते वक्त। मैक्सिमम हाइट तक के पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ज्वाइन करो तो उससे ज्वाइन करोगे तो mg के डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर आएगा वो रेंज का आधा होगा। हाँ सर। सर और फिर आंसर में ये यू की वैल्यू वी नॉट से चेंज कर देंगे। हाँ तो वी नॉट लिख देना, देखा नहीं क्वेश्चन में वी नॉट लिखा हुआ है तो वी नॉट लिख देना इसमें क्या।
पिछली बार एचसीबी में कहां तक होमवर्क दिया था सर? कल ही दिया था, अभी तक मतलब वो हो नहीं पाया था। 11 क्वेश्चन फर्स्ट 11 दिया था। हाँ सर। अच्छा तो बताता हूँ और आगे कहां तक कर सकते हैं। अब आप कर सकते हो 20 तक, ठीक है? ओके सर। सर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का असाइनमेंट एक बार शेयर कर देना भी। हाँ सर, वो आपने कल बोला था। अच्छा बोला था क्या? ठीक है कर देता हूँ। होमवर्क में एसपीवी 1-20 ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। सर इसका सेकंड पार्ट। अच्छा हाँ कर दिया, सॉरी सर।